दोस्तों, मैं ज़ुबैर अली। आप सभी को पता है, आज से चंद महीने पहले एक दंगा हुआ था दिल्ली के अंदर। एक दंगा हुआ था जहां पर गैस को फाड़ दिया गया था, लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। उसकी चपेट में कई मस्जिदें भी आई थी। एक मस्जिद पर जो काला जो धुआं उड़ता है आग का, तो दीवार काली हो गई थी। तो एक मस्जिद पर एक किसी व्यक्ति ने अपनी उंगली से लिखा था कि सब याद रखा जाएगा, इस तरह से उसने लिखा था। और अगर कहीं ना कहीं हम उसको याद करने की कोशिश करें, दिल्ली को उस सांप्रदायिक दंगे को, तो शायद हमें उसकी बू आज तक महसूस हो सकती है। हम उसको महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से एक विशेष समुदाय के घरों को तोड़ दिया गया था, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया था, उनकी दुकानों को आगजनी कर दी गई थी उनकी दुकानों पर, और उन्हीं लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया था। अब उसी केस में जो दंगा हुआ था राजधानी दिल्ली के अंदर, उसी केस में आज 5 मुसलमानों को बाइज्जत बरी किया गया है। और उनके ऊपर क्या आरोप लगाए गए थे पता है आप लोग? देखिए, उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए थे कि इन लोगों पर दंगा भड़काने, तोड़फोड़ और आगजनी और लूटपाट जैसे संगीन आरोप थे, लेकिन पुलिस इनके खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई है। अब आप लोग सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से इनको इसके मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई कि इन लोगों ने लूटपाट की है, इन लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश की है, इन लोगों ने आगजनी की है। इस तरह के आरोप इन लोगों के ऊपर लगाए गए। और पता नहीं इस तरह के बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो उस गुनाह की सज़ा भुगत रहे हैं जो गुनाह उन लोगों ने कभी किया ही नहीं है। अभी आप सभी को पता है, मेवात के अंदर, नूह और मेवात के अंदर, हरियाणा के अंदर जो हिंसा हुई, जहां पर एक बिट्टू बजरंगी जो मैन मुख्य आरोपी था, उसको पुलिस ने पकड़ा और हाल के हाल उसको छोड़ भी दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। खैर, ये एक अलग मामला है। अब मैं आपको बता दूं कि इनके मामले में क्या हुआ। 3.5 साल ऐसे कैसे लग गए कि इन व्यक्ति को 3.5 साल बाद कोर्ट ने छोड़ा। दरअसल आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, कड़कड़डुमा कोर्ट में चले इस मुकदमे के दौरान कोर्ट में पुलिस कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके कारण अदालत ने इरशाद, जो 5 मुस्लिम व्यक्ति हैं उनका नाम आप लोग ज़रा गौर से सुनिए, कि इरशाद, मोहम्मद शादाब, लियाकत अली, अरशद और कयूम और रियासत को बाइज्जत बरी कर दिया है मुस्लिम युवक। और इनको क्यों छोड़ा गया पता है? 3.5 साल तक कोर्ट में अभी भी इनको नहीं छोड़ा जा रहा था, अभी भी इनके ऊपर केस लगाए जा रहे थे, कोशिश की जा रही थी किसी भी तरह से ये सिद्ध किया जाए कि यही लोग मुख्य आरोपी हैं, इन्हीं लोगों ने तोड़फोड़ की है, इन्हीं लोगों ने लूटपाट की है। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस उनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाई थी, किसी भी तरह का सबूत नहीं दे पाई थी। और इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल जो है जमीयत उलमाए हिंद का है, उसने इसमें एक रोल दिखाया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये मुकदमा चला, दोबारा इस तारीख को टाला जा रहा था, तो वहाँ पर इन 5 मुसलमानों की तरफ से जो मुस्लिम एडवोकेट केस लड़ रहे थे, उन्होंने कोर्ट से क्या अपील की, सुनिए आप लोग। मुस्लिम युवकों की तरफ से पेश एडवोकेट जहीरुद्दीन बाबर चौहान ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि इन लोगों के खिलाफ पुलिस अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई है, सभी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, इसलिए इनको रिहा किया जाए। एडवोकेट जहीरुद्दीन बाबर की दलील सुनने के बाद अदालत ने सभी को बरी कर दिया। आपको बता दें, इन सभी युवकों का केस जमीयत उलमाए हिंद ने लड़ा था। और यहाँ पर रिहाई पर मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि पुलिस ने इन सभी को झूठे मुकदमे में फंसाया था, आज इंसाफ की जीत हुई है। अब सोचिए, इंसाफ मिलते मिलते कितना वक्त लग गया, यानी कि एक किसी भी व्यक्ति को इस तरह से उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उठा लिया जाता है, और 3.5 साल जो उनकी ज़िंदगी के, एक सोचिए आप लोग, जेल के अंदर बर्बाद किए जाते हैं, उनको कैद किया जाता है, उसका कौन हर्जाना भुगतेगा, ये सबसे बड़ा सवाल। खैर, ये एक अच्छी खबर थी कि 5 मुसलमानों को रिहा किया गया, तो मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचा दो। बाकी आप लोग इस पूरी खबर को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।